क्या बोलना है
नभी कमल से सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि हुई। उन्होंने चार तरफ में देखा, पानी पानी, कमल नाड़ों में हजार साल तक ढूंढे लेकिन कहीं उनको पता ही नहीं पड़ा। फिर ऊपर में आए, उन्होंने दो अक्षर सुने, त और उप। ब्रह्मा जी जब तपस्या में बैठे, भगवान अपना दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते, गोपाल मंत्र को बंसी ध्वनि के द्वारा सुनाए। अभी ब्रह्मा जी को बोले, ये सृष्टि प्रारंभ कर तुम। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी अपना मन से चतुष्सन को उन्होंने सृष्टि की, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। बोले भगवान का निर्देश है, ये सृष्टि क्रम बढ़ाओ। बोले पिताजी, हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहती, बड़ा दुखमय है। सृष्टि का पहला गुण हो, अब ना कर दिया, हम संसार करेंगे, जाओ संसार करोगे ना। जिंदगी भर जैसे बालक रूप में जन्म हुए, कई बालक ही बने रहोगे। वो तो खुश हो, बोले बढ़िया हुआ। देखना घर में जो बालक हो रहे ना, उनका किसी की चिंता नहीं, क्यों बोलते कूदते हैं। संसार में जितना बोझ किसको, जो बड़े बन जाए, बोले बहुत अच्छा हुआ, मस्ती रहेगी, कोई घर का, कोई दुनियादारी की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। भगवान की जो दूसरे, फिर ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि को परछाई से सृष्टि किए, फिर दस संतान को सृष्टि की, फिर मनु महाराज से ब्रह्मा जी एवं दाहिने अंग से मनु और शतरूपा को उन्होंने सृष्टि की। यही सही धीरे 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 ये सृष्टि की प्रारंभ हुई। इसलिए हम लोग मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। लेकिन ये हमारी जो डार्विन थ्योरी, ये डार्विन थ्योरी कहता है, पहले तो हम बंदर थे। ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया ना, फिर तो हम ये इंसान बन गए। ये डार्विन थ्योरी कहता है। ये सरकार ने मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तू ये प्रूव करके दिखा जाओ, जीव इंसान ये बंदर से हुए। बोले क्यों? बोले लोगों को नास्तिक बनाना चाह रहे हैं। ये मरने से पहले ये बात बोल कर गया, उसने क्या किया कि बंदर को बोला, एक गरीला की ऊपर लेकर जोड़ दिया, जोड़ करके दिखा दिया, देखो पहले के बंदर थे और बंदर से कैसे धीरे 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 इंसान हो गए। इसलिए बाद में साइंटिस्ट हो रहे हैं,
कोशिश किया एक बंदर का जो ब्रेन को इंसान के ब्रेन में लगाने के लिए। जब इंसान के ब्रेन में बंदर का ब्रेन लगाया ना, जब बंदर छलांग लगाता है, इनने भी छलांग शुरू कर दिया। उसका एक भी पार्ट आप इंसान में नहीं लगा सकते। अब बंदर का एक बंद ले आओ और उसको यहाँ से बंदर का चेहरा मिलाओ, बंदर चेहरा। अब पीछे देखो ठाकुर जी खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, जो भवन राम है। अब उनको चेहरा में अपना चेहरा मिलाओ, मिलेगा कि नहीं? राम का नाक देखो हमारी नाक जैसे, राम के दो हाथ हमारे भी दो हाथ जैसे, भगवान की दो पैर हमारे भी दो पैर, भगवान की छाती जैसे हमारे छाती जैसे, का प्रयोग उसकी होगी। बोले शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बोले पढ़ाई करने से बोले याद नहीं आएगी। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई कोई कहते हैं बेटा तो घर में ठीक पढ़ता है, लेकिन जब पेपर लेने के लिए जैसे भूल जाता है, वो याद नहीं रहती। अगर शाम का समय में कोई चीज हम पढ़ेंगे तो क्या तो वो याद नहीं रहेगी, उसको समय को बदलना पड़ेगा। और शाम का समय में सोना नहीं, जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा घर में लक्ष्मी खत्म हो जाएगी, घर में माँ लक्ष्मी कभी उसकी घर में नहीं आएगी। और शाम का समय में पति पत्नी कभी मिल नहीं चाहिए, इसलिए ठीक शाम का समय था। दीप्ति ने की क्या की, बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की और शीशा को सामने खड़ी हुई और अपना रूप को देख के काम में मुद हुई। उनने कश्यप ऋषि से मिलने के लिए गई, कश्यप ने कहा देखो दीदी ये समय अच्छा समय नहीं, अभी मिलो मत। लेकिन उसने मानी नहीं, उसने कश्यप ऋषि से मिले। मिलने का बाद कश्यप ने कहा दीदी तुमने अच्छी काम नहीं आए, राक्षस आएंगे और इतने बड़े राक्षस आए, रहते रहते देवता का बल को खींचना शुरू किया। जन्म हुए दुनिया में टहलका मचा दी, दुनिया में टहलका मचा दी दुनिया में, इसलिए ये हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को वो रसातल में ले गया था। भगवान वराह अवतार लेकर के ये पृथ्वी को फिर उन्होंने अपना धुरी पर स्थापन की, फिर ये सृष्टि प्रारंभ हुई। जब सृष्टि प्रारंभ हुई यहाँ पर माता देहूति की कथा थी, कहती कर्दम ऋषि कठोर तपस्या कर ली, भगवान को बेटा वर मांगो। बोले प्रभु आपकी चरण में हमें भक्ति मिले। बोले तथा और क्या चाहिए, मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है ये संसार की क्रम बढ़े, इनमें शादी तो करूंगा लेकिन दो शर्त है। बोले बताओ। बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना फिर तो मैं शादी करूंगा। बोले ठीक है मैं बेटा बन करके आऊंगा। बोले दूसरा शर्त, बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए। बोले तथास्तु। इसलिए देहूति साथ में कर्दम ऋषि की शादी हुई। शादी के बाद में श्री मनु महाराज जी माता देहूति को समझाते हैं। देखो माताएं, जितने माताएं से ध्यान देख रहे सुनो, ये मनु महाराज समझा रहे हैं अपना बेटी। बोले देख बेटी तेरी उम्र में ये ससुर और जो पिता माता का घर और तुम्हारे जो ससुर का घर ना तुम्हारे हाथों में, अगर तुम अपना ससुर घर में गए अगर बढ़िया दर सेवा की ना सारा दुनिया बोले के भैया इसको पिता माता देखो बेटी को कितनी अच्छी शिक्षा दी है। बोले नहीं कितने अच्छी शिक्षा दी है, अगर तुम अच्छे तरह से अगर पिता सास ससुर की सेवा करोगे इज्जत दोगे दोनों कुल कहीं जैसे, अगर तुम वहां पर बदनामी करोगे फिर तो दुनिया की सबका बदनामी। बोले तेरे पिता माता ने ऐसी शिक्षा तुमको दी, किसका नाम पर कलंक होगा, तेरे पिता माता का नाम पर कलंक होगा। इसलिए बेटी ऐसे कोई भी तुम काम नहीं करना जो कि पिता माता के ऊपर में कोई उन्होंने अच्छे तरह से उनको अच्छा बुझा करके उनको घर में भेजे। घर में भेज शादी हुई, शादी के बाद में ऋषि तपस्या बैठ गए कर्दम ऋषि। 10,000 साल तक उन्होंने
तपस्या में बैठे। माता देवी अपना पति व्रता धर्म द्वारा उन्होंने पति की बड़ी सेवा की, पति की उन्होंने बड़ी सेवा की। 10,000 साल के बाद में जब आग खुले वो भूल गए हमने कोई शादी की थी, और माता देवती कर्दम ऋषि की सेवा करते 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 एकदम केस हटा जुट हो गया। कर्दम ऋषि बोले, भैया तू कौन हो? बोले, आपको याद नहीं, आप कभी शादी किया? बोले, तू देवती, ये आकुति देवती प्रसूति, ये तीनों बेटियां इतने सुंदर थी, जब अपना आंगन में ये खड़ी थी, एक ही सुंदरता को देख करके देवता लोग भी बेहोश हो जाते थे, इतने सुंदर थी। लेकिन उसने पति की सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी जटा गई। हाँ देखो, यहाँ पर एक सी है, कहते माताओं को श्रृंगार क्यों करनी चाहिए, कारण क्या है? श्रृंगार किस लिए करनी चाहिए? बोले पति को ही दिखाने के लिए। इसलिए हमारे भारत में पहले ये नियम था, माताएं जो श्रृंगार करती सांप, तीन कोई माता श्रृंगार नहीं करती। बोले क्यों? बोले श्रृंगार हम किस पर दिखाएं? पति तो गया काम में, पति कब आएगा? सांप आएगा पति? इसलिए हमने मैंने भी देखा हमारे घर में माताएं सांप को ही श्रृंगार करती थी, वो सबर नहीं कर, बल दिखाना किसको? दिखाना पति को, पति तो है नहीं। हाँ पति तो है नहीं, इसलिए हमारे भारत में ये माताएं घूंघट क्यों लगते सड़क कपड़ा क्यों लगते हैं? कारण क्या? कारण है हमारी सुंदरता को केवल पति के सिवाय और किसी को नहीं दिखाने, कपड़े लाती है। क्योंकि हमारे भारत का जो संस्कृति, माता पिता को देखो, राधा रानी को देखो, गोपियों को देखो, अनसुया को देखो, सबके सब कपड़े लगते, इसीलिए अभी बोले बताओ तुमको क्या चाहिए। देखो अच्छे बात ना, अगर कोई पति की सेवा अगर ठीक करे उसका किन्हें बताए, बताओ तेरे को क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? बोला था ना ठाकुर जी, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे शादी करूंगा। बोले हाँ। बोले संतान चाहिए? बोले हाँ। बोले एक काम कर, जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही जब माता देवती निकली ना, वो इतनी सुंदरी बन करके निकली, पहले ज्यादा सुंदरी, हजार दास दासियों को साथ में से वो निकली। तबने एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम था कामक विमान। देखो पहले हमारे साइंस है वो अभी साइंस से बहुत एडवांस था, पहले ये सब चीज को देख कर अभी जो एयरप्लेन, हाँ ये जो निकला कैसे निकला, अब समझे कामक विमान था, और इसी ने कामक विमान सृष्टि की। ये कामक विमान को भरना क्या, कितनी क्रोश तक इतने बड़ी, जिसमें सुंदर राजमहल है, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर फूल खिले हुए, हर जीव चली तरह तरह का है, जिसमें सुंदर सुंदर फल है, और विमान ऐसे है जिसमें बैठ जाओ ना आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आप कभी बूढ़ा नहीं बनोगे, आपकी पेट्रोल और डीजल नहीं, जैसे चाहोगे वो विमान ऐसे ही उड़ता रहेगा। ऐसे उन्होंने विमान को सृष्टि की, और उसमें कर्दम और श्री माता देवती बैठ के आकाश में भ्रमण किया, उनकी बड़ी सुंदरी सुंदरी नाथ उनको बेटी हुई। बोले देवती अभी तो खुश हो गई ना, मगर नाथ बेटी हो गई? बोले नहीं, ठाकुर बेटे के आई नहीं। तब माता देवती सेवा की तो कर्दम ऋषि की, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के भगवान कपिल जी उठाए। बोले कपिल भगवान की, अरे जोर से जयकार दो, बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय श्री राधे। अभी घर में अगर बेटी आई, पहला कर्तव्य पिता माता का पहले बेटी को साथ, आप देखना घर में जब एक बेटी का हम साथ ना घर खाली हो जाती है,
लेकिन कितने कितने बेटियां हैं, कितने बेटियां हैं, 9 बेटियां हैं। अब पता चलेगा 9 बेटी साथ देना कितना कठिन है। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आपकी हृदय में भजन करने की भावना, ठाकुर जो भक्ति करेंगे, ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था करते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटों को लेकर श्री कर्दम ऋषि से मिलने के लिए आए, इनकी 9 बेटा और उनकी 9 बेटी। भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, बोले एक साथ में इनकी शादी करा दो और एक साथ में शादी करा दो, सारे को सारे घर खाली, 9 बेटी चले गए। अभी घर में 3 बेटी रह गए। अभी श्री कर्दम भी सताया था, तब तक सारे में रहूंगा जब तक शादी नहीं आए, जब तक संतान नहीं हो जाए। अभी श्री कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले गए। यहाँ एक प्रश्न आता है, भजन करने के लिए क्यों कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले भगवान तेरे बेटे बहन के घर आए, फिर तू भगवान को फिर ढूंढने के लिए कहाँ बाहर जा रहे हो? घर में तो भगवान रूप में ठाकुर आए। यहाँ शिक्षा देते हैं, बोले जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, भगवान हमें मिलने पर भी हमारी कोई लाभ नहीं। जैसे रावण, रावण अभी राम को देखे लेकिन रावण का कोई भी लाभ नहीं हुआ, वो भगवान से केवल युद्ध किया। मेघनाथ भी भगवान को दर्शन किया लेकिन भगवान को नाग बंधन में बांध दिए, उनको ऊपर में शक्तिशैल की प्रयोग की। क्यों? जब तक हृदय हमारी भक्ति नहीं हो, अगर भगवान दर्शन भी दे देना हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए भजन करने के लिए चले गए। घर में 2 व्यक्ति रह गए, माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता है भगवान, एक दिन माँ स्वयं अपना बेटे को सामने आ करके बोले बेटा मैं स्त्री आती हूँ, माँ बहुत चंचल है, बता मेरी कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने अपना माँ को लक्ष्य करते हुए ये सारे जीव जगत को सिखा देते हैं। आप लोग ध्यान कर, ये ठाकुर जी माँ को लक्ष्य करके हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? बोले माँ ये जो मन है हमारे 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इनका राजा कौन है? बोले मन। मन ने बताया चलो भगवत कथा हो रही है, कथा सुन करके आएगी। अब आकर यहाँ सारे इंद्रियां आकर कथा सुने, अगर मन बोलता ना हरेक कथा में जाकर किया होगा, घर में टीवी खोलकर बैठ जाओ, ऐसे सांस बोल की सीरियल आएगी, नहीं तो ये सीरियल आएगी, अरे कथा सुन करके क्या होगा? फिर क्या होगा कि जितने सारी इंद्रियां हैं ना, ये सब के सब वहीं बैठ जाएंगे। देखना मन जहां ले जाता है ये इंद्रियां, उसको पीछे 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 इंद्रियां भी पीछे 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 चल जा रही है। हाँ ये मन ही नहीं, यही मन ही का कारण बनता है। जब ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगा दो, यही मन ही बंधन का कारण बनता है। ये मन को जो विषय में लगा दो, इसलिए माँ ये मन को तुम ठाकुर जी के चरण में लगाओ। तू तो बोल दिया ठाकुर जी की चरण लाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, ते भजन कैसे करूं? ये तो आसानी है ही नहीं। यदि ये बाई को हम रोक सकते हैं लेकिन ये मन को रोक नहीं सकते, एक सेकंड में दुनिया भर आ जाती है। ये मन को क्या करे? बोले माँ और एक सरल उपाय है, बोले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। ये मन को संतों के संग में ला दो, तभी ये मन ठाकुर जी के चरण में लग जाएगी। इसलिए सता प्रसंगात महावीर जंबिदो भवंदी भार रसायन कथा तासु अप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिषति। बोले माँ तुम जब संतों की संगत करोगे, उनकी संगत में जो मेरी कथा होती है, वो कथा बाद कथा, वो कथा बड़ी ब्रजवती कथा होती है, वो कथा को जब तुम धीरे 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 सुनोगे, ये मन धीरे 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 ठाकुर की चरण में ये मन तुम्हारी ले जाएगी। और ये जब कथा को तुम सुनोगे, ये कथा से क्या मिलेगा? मतलब अप वर्ग वर्तमनी,
बल्कि जो प वर्ग है ये प वर्ग समाप्त हो जाएगा। बोले ये प वर्ग मतलब क्या है? बोले प में परिश्रम, हमें पहले भ्रम में कहता था भाई भाई और भ्रम मृत्यु, कहती है प वर्ग प प ब भ और म, कहते साधु संग तुम्हें ये पांच चीज मिलेगी। परिश्रम मतलब कहते संसार में जो हम अक्लांत परिश्रम करते हैं, अभी किसी के लिए करते हैं बोले संसार के लिए, लेकिन जो संतों का संग करोगे भैया फिर संसार के लिए नहीं, ये परिश्रम तो भगवान के करोगे। हा हा मतलब होता है फेंड, फेंड मतलब होता है झांक। देखना कभी हम इतने परिश्रम करते हैं मुंह से झांक निकल जाती है, लेकिन जब हम संतों की संग करेंगे तो वो परिश्रम भगवान के लिए करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो सेवा की कटक करता है। बोले मतलब होता है व्यर्थता, व्यर्थता मतलब बेकार, लेकिन जब संतों का संग करोगे ना वो परिश्रम तुम्हारी व्यर्थ नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी को सेंटर बना के करोगे फिर वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले राम नाम की अंग है सब साधन की सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे सुन। देखो ये बात को अच्छे तरह से समझिए, गोस्वामी जी एक अच्छी चीज को समझा चाह रहे हैं। उदाहरण दिया जैसे एक रखो, एक रखो जब सीधा हाथों में एक जीरो देते हैं सुना देते हैं, बताइए कितना होगा? बताओ मदार बोलो, एक रख करके सीधा में एक सुना दो कितना होगा? दस। कितना होगा जोर से बोलो? दस होगा। पहले क्या था? एक। लेकिन एक को सीधा में जो एक सुना देते हैं तो एक है वो झट दस गुण हो गया, और सुना कितना होगा? सौ। पहले कितना था? दस। लेकिन एक जीरो देने जो दस है फिर हो गया सौ, और एक जीरो दो कितना होगा? हजार। पहले कितना था? सौ। वो गोस्वामी जी कैसे एक को रख करके जब हम उसमें एक एक जीरो देते हैं ना वो दस 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 गुना बढ़ रहा है। फिर वो कहते हैं अभी ये एक को हटा लो, एक को हटा करके एक जीरो दो कितना होगा? बोलो कितना होगा? जीरो। और एक जीरो कितना होगा? और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, और एक दो। हाँ देखो यही चीज को समझो, कभी एक किया है बोले भगवान नाम भक्ति, बोले ये जीरो किया बोले ये संसार जीरो है, क्योंकि एक दिन संसार को छोड़ना पड़ेगा। हमारे पिता भी गए, उसके पिता भी उसको भी गए, ये संसार है क्या चीज? उदाहरण दिया जैसे धर्मशाला में नहीं तो होटल में कहीं गए एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे, बोले कहाँ से आए? बोले कलकत्ता से। बोले तुम कहाँ से आए? बम्बे से। बोले तुम कहाँ से आए? बोले उड़ीसा से। रात को बैठ करके वो गप पे, लेकिन सवेरे हुआ तो बस अपना गए। ये संसार ठीक वैसे, बोले बैठ कर गप्पे मार रहे हैं, तुम कौन हो? बोले पिता। बोले तुम कौन हो? बोले मैया। बोले तुम कौन हो? तुम भैया। ये गप्पे मार रहे हैं और वो नहीं, जिसका समय आएगा अगर पिता माता रहते हुए बच्चे का समय आएगा तो वो बच्चा उसी समय उसको करना पड़ेगा, रख नहीं सकते। लेकिन ये जीरो भी हीरो बन सकता है, मतलब कैसे? लेकिन जब ये संसार को एक साथ में जोड़ो, एक को साथ में मतलब जब भगवान की भक्ति को साथ ये संसार को जोड़ लोगे बांस हीरो हो जाएगी, वो दस दस में बढ़ जाएगी। लेकिन ये अगर ये भगवान की भक्ति को साथ में संसार में जोड़ोगे जब सब जीरो है, सब बेकार है, कुछ कुछ भी हाथ में आने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे बोले माँ जब तुम संतों की संग करोगे ना खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो? ठाकुर जी की सेवा, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, बोले क्यों बना रहे हो? ठाकुर जी भोग लगे। बड़े सुंदर घर बनाओ, बोले क्यों? ये भगवान की दरबार है, ठाकुर जी की दरबार है। कभी
ये चीज को भक्ति में जोड़ो, नहीं तो पैसा क्यों, मैं खाऊंगा, बोले बेबी के, बोले मेरी बीवी, बोले बच्चे मेरे, सब मेरा ये माया है। लेकिन अगर बोलोगे ये पत्नी कौन है, सहधर में ये ठाकुर जी की सेवा के लिए शादी की, बच्चे कौन है, ठाकुर का सम्मान है, ठाकुर ने दिया, बस इतनी हो गई। लेकिन ये कब होगी, भगवान कहते हैं, बोले माँ जब तक तुम मेरे भक्तों के साथ में नहीं जुड़ोगे ये भावना तुम्हारी हृदय में नहीं आ सकती है। इसलिए बोले संत के संग लागी रे तेरी अच्छी बरेगी, इसलिए साबर के मिलने का सतत संग ही बहाना है। इसलिए माँ तुम भक्तों की संग करो। फिर माँ प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने बोल दिया संतों की संग करो संग करो संग करो, लेकिन कभी कभी संतों को समझना तो कठिन होता है ना, हम कैसे संतों को पहचाने। देखो माँ ना वो एक एक प्रश्न के उत्तर सुन रही है, हमें पता ही नहीं कौन साधु कौन असाधु, हमें पता नहीं कभी साधु और कम असाधु होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान एक एक सहारे आ गए थे, उनका लक्षण किया है, जो पहला लक्षण है सहन शक्ति, बड़ी सहन शक्ति होता है। आप देखना ये सहन शक्ति ऐसी चीज है ना, बंगला में बताया जो सहे सो रहे, जो ना सहे और ना सहे। संसार में देख लेना, अगर बात बात पर बिगड़ जाए, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, वो संसार में थोड़ी शांति रहेगी। संत जगत में दुनिया में हर जगह पर ये सहन शक्ति बड़ा जरूरी है, सहन शक्ति। एक संत ये है जगह तुखा कभी, ये संत बड़ी इनके अंदर में कभी भी क्रोध नहीं आता, कभी अंदर में क्रोध नहीं। गांव के लोग बीत करके बोले भैया तो कभी भी मन में क्रोध नहीं आता है, आज किसी तरह से ये बाबा को क्रोध देंगे। इन्हें नित्य नियम था रोज गंगा स्नान करे, लोग यात्री में कचड़े लेकर खड़े हुए, बोले जो बाबा आएगा ना सीधा सर पर डाल देंगे, जो बाबा गंगा में नहा करके आए सीधा सर के ऊपर डाल दिया। लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं बोले, गंगा में नहा करके आए, फिर जब दो बार आगे उनके सर के ऊपर सौ बार उन्होंने कचड़े को डाले, कभी भी वो बाबा क्रोधित नहीं हुए, उनकी चरण में सब लोग गिर पड़े, बाबा हम तो चाह रहे थे आज किसी की तरह वो हम क्रोध लाना, लेकिन सौ बार सर पर कचड़ा आ तभी क्रोध नहीं किए। देखो संत क्या कह रहे हैं, तुम लोग जैसे मेरे कोई मित्र थोड़ी होगा, देखो मैं रोज एक बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन तुम लोगों का वजह से आज मैंने सब आरमण गंगा में नहा लिया। इसलिए भगवान कहते हैं संत ना इनके हृदय बड़े कोमल होता है, बड़े सहन शक्ति। कहते उनका दूसरा लक्षण क्या है, सब कारुणिका बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं, बड़े कृपालु। इसलिए सब जीव को कृपा करते हैं, इसलिए गोस्वामी कहते हैं बल संता हृदय ना बने तासमाना, संता हृदय ना बने तासमाना। दयालु होते हैं और जगत में जितनी जिसमें कहा नहीं कृष्ण तो सब जगह में, उनको ध्यान करना सर्वजन घटघट वासी ध्यान में तुम जाकर वही मिलेगा। गोपियां क्या कहती, बोले उद्धव मरना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम सगे को आराध्य ईश। तू कहते हो ना ध्यान करने के लिए, बोले हाँ, बोले ध्यान तो मन से होता है, लेकिन मन की दस बीस मन एक है।